वो कहने को तो तवायफें थीं, पर लखनऊ के अमीर खुद अपने बच्चों को उनके पास भेजा करते थे। इनमें से ही कितनी तवायफें थीं जो आगे चलकर लखनऊ की बेगम बनी और अंग्रेज़ों से लोहा भी लिया, पर फिर ये तवायफें इतिहास में कहीं गुम हो गई। तो आइए आज जानते हैं लखनऊ की इन्हीं दुनिया भर में मशहूर तवायफों के बारे में कुछ अनसुने किस्से, और साथ ही ये भी जानते हैं कि आखिर इन तवायफों के साथ क्या हुआ था। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सब सेफ होंगे। तो हर बार की वीडियो से अलग इस बार मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग और हटकर टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसे आई एम श्योर आप सब पसंद करेंगे। तो दोस्तों, लखनऊ में 18वीं 19वीं सदी में तवायफों का जो चलन था वो नवाब शुजाउद्दौला के समय से शुरू हुआ। पहले तो मैं ये बता दूं कि उस समय जो तवायफें हुआ करती थी उन्हें समाज में इस तरह की नज़र से नहीं देखा जाता था जैसे आज देखा जाता है। समाज में इनकी भी एक अहम जगह होती, वो किसी एक या दो अमीरों के लिए वफादार होती, और यही अमीर अपने बच्चों को इन तवायफों के पास तमीज़ और तहजीब सीखने के लिए भेजा करते थे। ये तवायफें एक तरह से लखनऊ की तहजीब का आईना थी। अब बात करते हैं कुछ खास किस्सों की। तो अवध के आखिरी नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह, उनका एक किस्सा मशहूर है। तो वैसे तो नवाब वाजिद अली शाह की बहुत सारी तवायफें थी, पर एक ख़ास तवायफ थी वजीरन। कहते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह वजीरन की खूबसूरती के इतने दीवाने हो गए थे एक वक्त पर, कि जब वजीरन की माँ बाई जान ने वजीरन को नवाब वाजिद अली शाह के पास भेजने से इनकार कर दिया, तो नवाब वाजिद अली शाह ने धमकी तक दे डाली कि अगर वजीरन को उनके पास नहीं भेजा गया तो वो अपनी पिस्तौल से अपनी जान दे देंगे। हालांकि बाद में इनकी शादी उससे हुई और इन्होंने उसे निगार महल का खिताब दिया। एक और किस्सा है अवध के 8वें नवाब, नवाब नसीरुद्दीन हैदर का। तो एक तवायफ थी भाजू नाम की, उसकी बेटी थी हुसैनी। हुसैनी बेहद खूबसूरत तो थी ही, पर वो गाने और नृत्य में भी पारंगत थी। वो शादियों में, महफिलों में मुजरा पेश किया करती थी। ऐसे ही एक दिन एक महफिल में नवाब नसीरुद्दीन हैदर की नज़र हुसैनी पर पड़ी और बस उनको खिताब दे दिया खुर्शीद महल का, और फिर एक दिन अपने सर का ताज उसके सर पर रखा और उसे खिताब दे दिया ताज महल का। अब बात यह है कि अपनी इस बेगम की साफ सुथरी इमेज लोगों के सामने कैसे पेश की जाए। तो नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने अपने एक आदमी मिर्ज़ा हुसैन बेग के बारे में एक कहानी बनाई और हर तरफ ये कहानी फैला दी कि हुसैनी मिर्ज़ा हुसैन बेग की बेटी है। इसके बदले में नवाब ने मिर्ज़ा हुसैन बेग को नवाबगंज का जो एरिया है, जो लखनऊ से थोड़ी दूर है उत्तर प्रदेश में ही, वो एरिया मिर्ज़ा हुसैन बेग को सौंप दिया। पर बाद में ताजमहल को भी काफ़ी दुख हुआ जब नवाब अपनी दूसरी बेगम बादशाह महल के दीवाने हो गए। ऐसे में ताजमहल शराब में डूब गई, और इसके बाद भी जब नवाब नसीरुद्दीन हैदर की मृत्यु हो गई तो ताजमहल को ज़िंदगी में काफ़ी दुख और स्ट्रगल देखना पड़ा। दोस्तों, नवाब वाजिद अली शाह की एक बेगम थी बेगम हज़रत महल, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था और जिनका नाम लखनऊ में आज भी बड़ी इज्जत से लिया जाता है। पर शायद कम लोग जानते होंगे कि बेगम बनने से पहले वो भी एक तवायफ थी। पर उनके बारे में जानने से पहले आप, जी हाँ पहले आप, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जो पहले आप मैंने कहा, इसका कारण यही था कि ये जो पहले आप की तहजीब है अपने सामने वाले को इज्जत देने की, इसकी शुरुआत लखनऊ के इसी शहर से शुरू हुई थी। असल में दोस्तों, महल जो था वो कोई नाम नहीं था बल्कि एक टाइटल था, एक खिताब था, और इस तरह के और भी बहुत सारे टाइटल हुआ करते थे। दरअसल नवाब वाजिद अली शाह के हरम में बहुत सारी औरतें हुआ करती थीं। वो खुद अपनी किताब बन्नी में लिखते हैं कि उनके हरम में 217 बेगमें हैं। उनके हरम को कहते थे परी खाना और उसकी औरतों को कहते थे परियाँ। एक लड़की जब उनके हरम में आती तो एक खवासीन या अटेंडेंट के तौर पे आती। अब अगर वो लड़की नवाब को पसंद आ जाती तो उसकी तरक्की होती और उसे परी का खिताब मिलता, यानी एक डांसिंग गर्ल का, एक नृत्यांगना का। अगर वो नवाब के और करीब आती तो उसे खिताब मिलता बेगम का, और अगर वो नवाब के बच्चे की माँ बनती तो उसे खिताब मिलता महल का, और उसे रहने के लिए एक अलग महल दिया जाता। इस हरम में कुछ उनकी बेगम, कुछ महल और कुछ के उनसे निकाह मुता हुए थे।
मानते हैं कि जब नवाब वाजिद अली शाह की मृत्यु हुई तो उनकी केवल निकाह मुता से ही 250 बीवियाँ थीं। बात करें बेगम हजरत महल की, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, तो इनका जन्म हुआ था फैज़ाबाद में और इनका नाम था शुरुआत में मुहम्मदी खानम। इनके माँ बाप बेहद गरीब थे और इस गरीबी के चलते उन्होंने बचपन में ही इन्हें बेच दिया था। अब दूसरी तरफ वाजिद अली शाह का और बाकी नवाबों का भी एक अपना तरीका होता था खूबसूरत लड़कियों को अपने हरम तक लाने का। इनकी एक प्रॉपर टीम होती जो जगह जगह पे इस तरह की खूबसूरत लड़कियों की तलाश में होते और फिर उन लड़कियों को नवाब वाजिद अली शाह के हरम तक लाते। इन लड़कियों की बाकायदा तनख्वाह हुआ करती थी और इनमें से ज़्यादातर से नवाब वाजिद अली शाह निकाह मुता कर लिया करते थे, जो कि आसान भी था और मज़हब इसकी इजाज़त भी देता था। अब इसी तरह मुहम्मदी खानम भी नवाब वाजिद अली शाह के परी खाने तक पहुँची और उनका नाम पड़ा महक परी, और बाद में इन्हें खिताब दिया गया इफ्तिखारुन्निसा बेगम का। बाद में इन्होंने नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजीस कद्र को जन्म दिया और इन्हें टाइटल मिला हज़रत महल का। फिर इन्होंने कुछ वक्त लखनऊ पे हुकूमत भी की। आज भी लखनऊ में इन्हें एक योद्धा के तौर पर देखा जाता है जिन्होंने अंग्रेज़ों से लखनऊ की रक्षा की और लखनऊ पे हुकूमत की। एक थी देशभक्त तवायफ हैदरी बाई। इतनी खूबसूरत थी कि उनके कोठे पर बड़े बड़े अंग्रेज़ अफसर आए करते थे और वहीं बैठकर क्रांतिकारियों के खिलाफ योजनाएं बनाते। अब हैदरी बाई ने अपने पेशे से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचा और इस तरह की जितनी भी खुफिया खबरें थीं उन्हें क्रांतिकारियों तक पहुंचाना शुरू किया। बाद में ये खुद भी क्रांतिकारियों के दल में शामिल हो गई और अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। दोस्तों, दुख की बात यह है कि पैसों की लालच में आकर कुछ ऐसे लोग जो इस तरह के पेशे में होते हैं और जिनकी नज़र हमेशा खूबसूरत बच्चियों की तलाश में रहती है, वो पैसों की लालच में गरीब घर की बच्चियों को खरीदते और इन कोठों पर बेच दिया करते थे, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो वो उन बच्चियों को किडनैप कर लेते, उन्हें अगवा कर लेते। मिसाल के तौर पे उमराव जान की कहानी ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कैसे अमीरत नाम की एक बच्ची को अगवा करके बेच दिया गया था और एक तवायफ उमराव जान बनाया गया था। दोस्तों, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि लखनऊ में इन तवायफों की अलग अलग कैटेगरीज हुआ करती थी, अलग अलग वर्ग हुआ करते थे इन तवायफों के। मसलन डेरेदार तवायफें, ये वो तवायफें हुआ करती थी जो खूबसूरत होने के साथ साथ और नृत्य और गाने में बहुत ही पारंगत होने के साथ साथ दिमाग की भी तेज़ हुआ करती थी और साहित्य में भी, लिटरेचर में भी काफ़ी आगे हुआ करती थी। ये महफिलों में साहित्य पे चर्चा किया करती थी। ये जिन नवाबों के साथ रहा करती थी उनके साथ जब वो नवाब दौरों पर जाया करते तो उनके साथ ये भी जाती और एक अलग टेंट में, एक अलग डेरे में, नवाब के टेंट से कुछ दूरी पर इनके डेरे भी हुआ करते थे, और यही कारण है कि इन्हें कहा गया डेरेदार तवायफें, जो ज़्यादातर लखनऊ के चौक एरिया में रहा करती थी। एक थी कंचनी तवायफें, जो दिल्ली और पंजाब से आकर लखनऊ में बसी। इसी तरह एक थी चूना वालियाँ, यानी इसमें वो औरतें थीं जो कभी किसी ज़माने में चूने के व्यापार में, चूने के पेशे में काम किया करती थीं, पर बाद में उन्होंने इस तवायफ के पेशे को चुना। एक कैटेगरी, एक वर्ग जो था वो था टकियाज। इनके जो ग्राहक होते थे टकिया तवायफों के, वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते थे और छोटे तबके के ग्राहक इनके हुआ करते थे। एक अलग कैटेगरी तवायफों की होती थी जिनमें वो औरतें थीं जो साइड बाय साइड तवायफ का काम करती थीं, यानी उनका अपना परिवार होता, पति होता, बच्चे होते, बट वो साइड बाय साइड तवायफ का भी काम करती। इन सभी तवायफों में सबसे ज़्यादा इज्जत जिन्हें दी जाती थी, समाज में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो थी, वो थी डेरेदार तवायफें, जिनके डेरे ही इतने कीमती होते थे कि एक आम आदमी उनकी कीमत के बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। पर फिर समय ऐसा बदला कि इन सभी तवायफों की किस्मत में सिर्फ गुमनामी, दर्द और गालियां ही रह गईं। 1857 की क्रांति के बाद तवायफों का रुतबा कम होने लगा। बदलते वक्त के साथ इन्हें बहुत ही नीची नज़रों से देखा जाने लगा और गंदा और अलग मानकर समाज से अलग कर दिया गया। आज इन्हें एक गाली से ज़्यादा और कुछ नहीं समझा जाता। काश हमारा समाज ये कभी समझ पाए कि इस पेशे में कोई भी लड़की अपनी मर्जी से नहीं आती है।
वीडियो अच्छा लगा तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस कोरोना काल में अपना और परिवार का ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद।